ये देखो गाइस व्यू, क्या व्यू लग रहा है ये, और बादल से भी हो रहे हैं वहाँ पे कुछ। और यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं अभी खाना खाने के लिए। ये धीरज आ गए हैं और मयू हैंड वॉश कर रहा है, अब हम कुछ खाना खाएंगे। धीरज, इस जगह का नाम क्या है? खुशैन? पागल हो? तो यहाँ से नीचे दिखाती हूँ मैं आपको, देखो गाइस। एक थाली ले लेते, कितने की थाली? क्या खाओगे? रोटी या चावल? तूने क्या खाने? चावल। मैं रोटी। आप क्या खाओगे? मई चावल, रोटी। दो रोटी की थाली, चावल की। हाँ, दो रोटी। चलो अब खाना खाते हैं गाइस, फिर देख सकते हैं वहाँ पे पहाड़ है, नीचे फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स देखो, खाना आ गया है। मैंने मंगाया है चावल, और ये है भटके डुबके और कड़ी, और ये हरी सब्जी और सैलेड के साथ चटनी है भांग की। अरे ये वही तो नहीं, भटके डुबके वाला तो नहीं है? नहीं। तो फ्रेंड्स ये बना हुआ है, अभी सबका आने वाला है। मयू का नहीं आया, धीरज का भी आया, सिर्फ मेरा आया, क्योंकि इन लोगों ने रोटी खानी है, तो अभी इनका टाइम लगेगा। मेरे में कड़ी आएगा, तो तब तक मैं खा लेती हूँ। इनका खाना भी आ गया, ये देखो धीरज का खाना है और मयू का। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, चलो खाओ फिर भटके डुबके के साथ। तो फ्रेंड्स सारे ये पूरी थाली इसमें मिलेगा आपको, सलाद, भांग की चटनी, ये क्या है, ये क्या मम्मा, भटके डुबके, भटके डुबके और सब्जी, कड़ी, दाल। ठीक है, इस खाना पीना हो गया है अब, और निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस अब हम लोग निकल गए हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया खाना खा के, तो खाना काफ़ी टेस्टी था, और हम लोगों ने जो भी खाया आप लोगों को दिखाई, ये बिल्कुल प्योर पहाड़ी खाना था, क्योंकि अब मुझे अभी भी देख रहा हूं उनका होटल। मयू को भी काफी टेस्टी लगा, और धीरज को पूछते हैं कैसा लगा तुम्हें खाना? वेरी टेस्टी, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक पनीर। इनको तो काफी ज्यादा भूख लगी थी, क्योंकि इन्होंने तो सुबह से ना कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि जैसे मयू और मैं तो कभी चिप्स खा लिया, कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कुछ इस तरीके से खाते रहते हैं गाड़ी में, पर ये नहीं खाते, तो इनको काफी ज्यादा भूख लगी थी। तो अब इनको भूख लगी थी, तो इनको ज्यादा ही टेस्टी लगा खाना। इनको टेस्टी लगता है। भटिया तो तुम खाते नहीं हो फिर वहाँ, जब मैं बनाती हूँ कम खाते हो? मैं तो आपका खाता हूँ, हाथ का। हाँ, तो मयू को भी काफी टेस्टी लगा। और अब गाइस हम लोग निकल गए हैं, अभी भी हमें टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में। हमने थोड़ा सा बागेश्वर से ऊपर ही निकले थे, तभी खाना खा लिया था। अब जब आएगा तो कांडा आएगा, कांडा के बाद चौकोड़ी, फिर तो यहाँ से हमें इतना आइडिया नहीं है, तो कांडा या फिर उसके बाद चौकोड़ी, फिर कमेड़ी देवी, कमेड़ी देवी, और बैंड वाला क्या जगह है वो, इस तरह से तीन चार जगह आएंगी फ्रेंड्स। तो उससे अब देखो ये जो है कफू का फूल है, मैं इसको तोड़ने के लिए आ रही हूँ, पर ये काफी ऊंचा है, मुझसे टूटेगा नहीं। नीचे नीचे तो लगे ही नहीं है कोई भी फ्लावर, सारे ऊपर ही लगे हुए हैं। ये जो है जंगली फ्लावर है फ्रेंड्स,
और इसका जूस बनता है काफी अच्छा। तो मैं इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग रुके थे बट मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। गाइस धीरज चले गए तोड़ने के लिए बट पता नहीं पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। ये देखो धीरज की ओर से प्रैक्टिस हो रही है। ये टहनियाँ ना नीचे को भी नहीं आती हैं, काफ़ी वो होती हैं। ये देखो कितने अच्छे, इतने अच्छे लगता है ना, इनका जूस बनता है फ्रेंड्स। ये ना जंगली फ्लावर है और इसका जूस इनको तोड़ के अभी मिलेगा ना तो मैं सामने से दिखाऊंगी, बट नहीं होता मुझे लगता है। काफ़ी दूर है यार, आ जाओ, काफ़ी दूर है, वो नहीं होगा बिना इसके। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि फुल डे का फेस्टिवल आएगा, तो ये पहाड़ियों का ही होता है शायद, ये फुल डे उसमें बच्चे जो है चावल और फ्लावर लेके जो है क्या करते हैं डेली में डालते हैं, और सबके गुड़ वगैरह भी और चावल फूल इस तरीके से। तो उस टाइम पे ये फूल का, ये वाला फूल लेके आते हैं सब लोग जंगलों से ढूंढ के उस टाइम पर, तो उस टाइम पे काफी देखने को मिलता है। ये अभी भी इतना फल आया हुआ है बट काफी ऊपर ऊपर फूल लगे हुए हैं, नीचे जो है कोई भी नहीं लगा हुआ है। अभी आएंगे नीचे धीरे धीरे, अभी टाइम है इसको आने में, तो काफी अच्छा लग रहा था। हम रुक गए हैं, ये देखो धीरज यहाँ पे फिर से हमें कफू के फूल मिले तो काफी फ्रेंड्स, बट क्या है कि वो ना हमसे टूट नहीं रहे हैं, काफी ऊपर है, तो मैंने सोचा कि आपको पास से दिखा दूं ये किस तरीके का होता है, और काफी अच्छा ही। देखो 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 धीरज को, ओ कांटा चुभ गया, तुमसे नहीं होगा, मैं जाऊं फिर से होगा, फिर मैं ट्राई करूं, चलो पहले तुम करो फिर मैं करती हूँ, अगर तुम जा पाते। ये धीरे चले गए, अब देखो क्या होता है। यहाँ गुफा में बैठ जाओ। नहीं टूटेगा, ये इतनी दूर दूर होते हैं ना फ्रेंड्स, ये फ्लावर टूटती नहीं। देखो उस वाले पेड़ पे देखो कितने सारे लगे हैं, इस पे भी, पर काफी ऊंचे में, ये देखो ये नहीं टूटते, काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं ये तो, बड़ी मुश्किल से। और इनका जो पेड़ होता है ना ये काफी नाजुक होता है। अंतर अंतर चलो चले, तो गाइस चलो, गाइस मान नहीं रहे हैं और ट्राई करने में लगे हुए हैं। बाहुबली बन रहे हैं, बाहुबली हम तो गाड़ी में आ गए मयूर में, है ना मयूर, ज्यादा बाहुबली बन रहे हैं। एक बार ऊपर चले गए फिर भी नहीं आ भाई। कितनी मेहनत कर रहे हैं धीरज कफू का फूल दिखाने के लिए। ओ चढ़ गए चढ़ गए, अब चढ़े धीरज, अब ले आएंगे धीरज तोड़ के। क्यों मैं ये कफू का फूल, स्पाइडरमैन, बस ये देखो गाइस अब ले आए हैं आपको दिखाने के लिए धीरज। ओ आ गए, ये देखो 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 हम बंदर, देखो दो अटैक, देखो बाबा अगर इतना करते हो तुम कितना हटते हो गंदे बच्चों को, इतना मेहनत करी उन्होंने। ये देखो ला गए पापा आप। आखिरकार तुम ले ही आए। I love you. I love you too. I love you. कीड़े होंगे भाई इसमें, किस वजह से? थोड़ा पानी डाल तो मैं। ये देखो गाइस, ये फ्लावर बड़ा ही प्यारा लगता है, ये देखो सामने से, ये देखो। अब हम इसको अपने यहाँ रखेंगे ना भगवान जी के पास, इसके पत्ते निकाल देना, ये देखो। और एक मयू का था एक मेरा। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं चौकोड़ी और टाइम हो गया है, कितना हो गया धीरज, शाम के वही 5:30 के आसपास हो गया है फ्रेंड्स। तो ये जो होटल है होटल सनराइज, अब यहाँ पे हम रुके हैं फ्रेंड्स मोमो खाने के लिए, देखते हैं मोमो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। पर काफी मतलब जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना नानी के यहाँ मयू के, तो हम हमेशा बेरीनाग से जो है यहाँ पे मोमो खाने आते हैं, और यहाँ से बेरीनाग का डिस्टेंस जो है कितना है, डिस्टेंस कितना है बेरीनाग का यहाँ से, 12-13 किलोमीटर है फ्रेंड्स, मतलब एक घंटा भी पूरा नहीं लगता है ना आने जाने में, अप डाउन करने में फ्रेंड्स। तो चलो चलते हैं देखते हैं, इनके पास वैसे होते नहीं है मोमो, ऑर्डर देना पड़ता है, पर चेक करते हैं या नहीं अभी होटल में, चलते हैं अंदर फिर पता करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स ये लोग जा रहे हैं पूछने के लिए, मयू को बोलो, मयू को, ये देखो
और यहाँ पे काफी ठंडा हो रहा है गाइस, और इनके पास रूम्स भी अवेलेबल है फ्रेंड्स, अगर जैसे आप लोग आते हैं तो इनके ऊपर जो है यहाँ पे आपको खाना पीना भी सारा मिल जाएगा और रूम्स भी मिल जाए। ये इनके पास ज्यादा रूम नहीं, इनके पास ओनली टू रूम्स या टू थ्री रूम्स हैं, तो वो ये रेंट पे देते हैं और नीचे खाना भी आपको अवेलेबल करा देंगे। ये है तो मयन चला गया है, देखो पता करने कि मोमो है या नहीं, डॉगी है वहां पे, तो मयन को डर लग रहा है। अब जा रहे हैं उसके पापा और वो दोनों, तो देखो वो डॉगी किसी और का है। तो अभी शाम का व्यू है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो आसमान पूरा रेड रेड दिखाई दे रहा है, पूरा रेड और येलो, तो काफ़ी अच्छा। अब पता नहीं, देखो आते हैं फिर पता करते हैं, है या नहीं मोमोज। तो गाइस है मोमोज, हाँ तो चलो खाते हैं मोमोज और फिर मिलते हैं आपको, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या आपको मोमोज। तो ये कैफे जो है अंदर से ये देख सकते हैं, धक्का देना इधर को, ये लो योर पर्स, नानी को पूछ लो, नानी के लिए भी लाने हैं, पूछ ले आप, चलो फिर चलो मई आए। बहस लगा दो आप हमें ना, बाहु बाहु वो खुदे आपको काटेगा मम्मी, बाहु डॉगी कब लिया आपने, डॉगी अच्छा तकत नहीं। बड़ा हो गया, ऐसी हो गई थी, मैं डर रहा है उसको कैसे लेके जा रहा मयू को, तो इतनी जल्दी हो जाती है ना। गाइस अब हम मोमो खा के निकल चुके हैं और आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे घर, और पापा आ गए ऊपर रोड पे हमारा वेट कर रहे हैं, पापा का दो बारी कॉल आ गई है, तो वो मिलते हैं। चलो गाइस आपको घर पहुंच के, वहीं पहुंच के पापा के पास मेरी नाक। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, हम लोग सीधे अपने रूम पे ही आ गए थे, तो यहाँ तो ये हमारा सामान यहीं पे है, तो हम यहीं पे सोएंगे बेड पे, ये बेड लगा हुआ है, हम जब भी आते हैं इसी रूम में सोते हैं और इसी रूम में रुकते हैं। तो मम्मी लोग उधर हैं, अंधेरा हो रहा था, मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई, तो थोड़ी देर में मैं आपको मिलाती हूँ उनसे। हाँ ये देखो गाइस, ये है मम्मी, और हेलो बोल, हेलो मम्मी जो अच्छी है, हेलो कह रही, देख रहे हो। तो मम्मी के लिए हम लाए हैं मिठाई और मम्मी को दे रहे मिठाई, तो पापा से अभी मिला दे, थैंक यू। तो गाइस अब हमारा खाना पीना हो गया है, और ये मयू देखो, और ये आराम से सो रहे हैं, फरमा रहे हैं नींद, तो फरमा नहीं सकते क्यों, ठंडा हो रहा है। तो खाना खा के हम लोग जल्दी जल्दी आएगा, कल मैं पापा से भी मिलाऊंगी, आज तो पापा मिले ही नहीं ना, फोन ही मेरा यहीं रह गया था और हम लोग उधर बगल रूम में बैठे थे, और कल मैं आपको अपना होम टूर भी दूंगी इसमें,